नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की आवंटियों को जल्द ही करोड़ों रूपये का तोहफा भी मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आपको बताते चले कि टोटो के एनहेंसमेंट के भी लंबित मामलों के निपटान के लिए वादों का समाधान योजना के तहत अधिकारियों को एक नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत एनहांसमेंट के बकाया राशि को भी एकमुश्त जमा करने से भी लगभग 4,400 से भी अधिक प्लॉट मालिकों के 2015 से 2019 के बीच में लंबित मामलों का समाधान करते हुए उन्हें ब्याज की बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही हरियाणा में भी आपको बताते चले कि अंत विभागीय मामलों के समाधान के लिए सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ में मिलकर कार्य करें ताकि ऐसे मामलों को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। इससे न केवल परियोजनाओं की गति बढ़ेगी बल्कि नागरिकों को तुरंत सुविधाएं भी मिलेंगी। चंडीगढ़ में मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने नार्को समन्वय केंद्र की 8वीं राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। उन्होंने इस अभियान की सफलता के लिए नागरिक और पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और शिक्षा विभाग के समन्वित नहीं तो स्कूलों पर खर्चा इसमें कास हो जाएंगे, कबाड़ हो जाएंगे। हाँ, तेरह तो फट हो गई जी पानी, खर्चा तो सारा कर दिया जी, जो खर्चा जितना होना था खर्चा कर रहे, बाकी बरसात हो ही नहीं। देखो जी महाराज करेगा बदल। मैं राजवीर सिंह, बरसात का तो वैसे बरसात तो है ही नहीं, बरसात तो मतलब ना कि बराबर ना ही है ही नहीं बरसात तो यहाँ, तो हमारे यहाँ तो है नहीं। वैसे बिजली है जी, बिजली 8-10 घंटे चल रही है, बाकी सोका तो है ही, फसल में नुकसान हो रहा है, नुकसान काफी नुकसान है जी। हाँ जी, बरसात का तो वैसे है जी, बरसात पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बरसात हो जाए जी। हाँ, अभी रुपए की कोई इसी लेट नहीं है अभी ज्यादा, वैसे आगे आगे तो लेट ही है, आगे आगे तो अंदर लेट ही होगी, आगे आगे तो यहाँ जग करेंगे। 14 तारीख को जग है अपनी, खेड़ेगी जग है यहाँ। देखिए, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है लेकिन हमारा अम्बाला के अंदर बरसात ना मात्र ही हुई है, सेंटीमीटरों के हिसाब से, इंचों के हिसाब से तो हुई नहीं, बहुत कम बारिश है। किसान भी परेशान है, बिजली की वोल्टेज बहुत कम आ रही है बारिश ना होने के कारण। अभी धान भी काफी पड़ा है और पाई के बगैर। सोनीपत के सरकारी अस्पताल की PNTD टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बताते चले कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है, उसके बावजूद भी जांच हो रही थी, जिस दौरान एक महिला को मौके पर धर दबोचा गया है, जो कि भ्रूण लिंग जांच रुपयों के लालच में तुरंत करवा के 35,000 रुपये में कन्या के भ्रूण की हत्या करवा देती थी। सूचना सोनीपत स्वास्थ्य विभाग की टीम को तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मौके पर एक महिला को भी काबू कर लिया गया लेकिन अन्य दो व्यक्ति गाड़ी से मौके से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस कार्रवाई भी अमल में ला रही है, जल्द ही अन्य फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिला जो हमारी डिस्ट्रिक्ट ऑपरेटिव अथॉरिटी है, इसमें हमारे जो सिविल सर्जन सर हैं, इनको पिछले काफ़ी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि जो भ्रूण लिंग का की जांच के लिए गिरोह जो है काफ़ी सोनीपत और इसके आसपास के क्षेत्र में जो है सक्रिय है। इसके लिए जो CMO साहब हैं, इन्होंने टीम का गठन किया था, जिसमें मैं डॉक्टर सुमित कौशिक, नोडल ऑफिसर PNGT सोनीपत, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, डॉक्टर सुनील शिकारा, ये हम तीनों लोगों की टीम जो है वो गठित की गई। आज हमने एक जो है मिथ्या ग्राहक को हमने तैयार किया था और इसके लिए गुप्त सूचक से हमारे को जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसके तहत हमने जो है जो दलाल थी उससे हमने बात करवाई। दो युवकों में चाकूबाजी के मामले में गिरफ्तार दलित समाज के एक युवक की CIA के कस्टडी में हुई मौत को लेकर आपको बताते चले कि दलित समाज में भारी रोष भी देखने को मिल रहा। भीम आदमी और दलित समाज के नेता पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं मृतक के परिजन भी युवक की मौत को लेकर CIA को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मृतक का मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम करवाया गया। मामले को लेकर अब मजिस्ट्रेट ने भी कानूनी जांच शुरू कर दी है।
अभी जैसे कि डीके हॉस्पिटल फरीदाबाद में खड़े हैं, तो इस तरह की बात जो है उस पर जुडिशियल इंक्वायरी के लिए मजिस्ट्रेट आए हुए हैं, और जो कंप्लेंट हमें कंप्लेनेंट से या उनके लीगल गार्जियन से जो भी प्राप्त होगी, हम उस पर लीगल कार्रवाई जो भी बनती है वो करेंगे। घटना क्या थी सर, पूरी घटना के बारे में बताएं, तो मामला क्या था पूरा? ये एक मुकदमा पहले जो पुलिस स्टेशन कोतवाली में दर्ज हुआ था, जिसमें मारपीट का मुकदमा था, और बीएनएस के अकॉर्डिंग उसमें सभी सेक्शन लगाई गई है, तो उसी में ये अक्यूज थे। बेटे के साथ ये 5 तारीख को हुआ। ये किसके साथ हुआ था, किस बात को लेकर? हरीश के साथ हुआ था। ये कहाँ का रहने वाला है? गाजीपुर का। ये मैं जो उनके पास नौकरी करता था, उनकी जमीन में रहता हूँ। हाँ, कम से कम मैं उनके पास रह रहा हूँ जी, 5-7 साल से रह रहा हूँ। कोई उनका आपस में कोई झगड़ा नहीं था जी। हाँ जी, उनका हमारे लड़के का कोई लेन देन था 1-1.5 लाख रुपए से, उनके घर के इनको पता, 50,000 उनकी घर के इनको पता, अब इस पर है 1.5 लाख रुपए उनकी ना पता रही। बहादुरगढ़ में बीजेपी नेता एडवोकेट गौरव राठी के घर पर हमले की खबर सामने आई है। इस हमले में आपको बताते चले कि उनकी सुरक्षा में तैनात जवान भी घायल हुआ है, जिन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। गौरव राठी का भी कहना है कि हमला करने वाले लोगों में से वे एक को पहचानते हैं। पुलिस ने घायल कांस्टेबल के बयान के आधार पर मामला भी दर्ज किया है। सर, दो लड़के आए वहां पर गेट पर, गौरव राठी गेट पर जब हमारे अंदर सो रहा था, गेट के ऊपर पत्थर मारने लगे और अभद्र व्यवहार करने लगे। मैं बोला क्या बात है? बोले गौरव राठी को बाहर बुलाओ आप। मैं बोला गौरव राठी क्या काम आपका? मेरे को बताओ कभी। बोला आपको किया क्या बताना है? बोले तो है कौन? बोले गौरव राठी बुला। मैं बोला गौरव राठी से बुलाऊंगा, मेरे को बताओ कुछ। तब तक तीन दो लड़की और आ गई। तीन आदमी थे, इनमें से एक को मैं जानता हूँ, बलजीत नाम है उसका। तो 11 बजे करीबन मेरे पास फोन आया मेरे सुरक्षाकर्मी का कि दो तीन आदमी गेट के ऊपर है ना पत्थर मार रहे हैं और आपको बाहर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। ये सुनकर भी मैंने फिर अपने फोन किया चाचा के पास, ऐसे से बात हुई, फिर थाने में इंतला कर दिया। और मैं जैसे हमारा बीच वाला गेट है उस पर जाकर मैंने देखा, वहां मैंने देखा तो दो तीन आदमी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और मेरा सुरक्षाकर्मी उन्हें रोक रहा था। सर, अपनी समझ से ये मामला बाहर है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, हमारे परिवार के पीछे क्यों ये लोग पड़े हुए हैं, मेरी कुछ समझ से भारी बात है। मेरा बेटा गौरव कल अपने घर 9 बजे 8:30 बजे मेरे पास से ऑफिस से उठ के गया है, 10:30-11 बजे फोन आया है कि यूं मामला है। मैंने SHO साहब को फोन मारा, SHO साहब वहां पहुंचे, मैं पूछा, जब नरेश खूनम खून सारा लगा बेहोश जमीन के ऊपर गिरा हुआ था, मैंने नरेश को उठा के बैठ में बिठाया, मैं सिविल हॉस्पिटल ले गया। तोशाम से विधायक किरण चौधरी तोशाम में सेठ धर्मचंद्र बंसल की खुशी में आयोजित जलवा पूजन समारोह में पहुंचे थे। इस अवसर पर महिलाओं ने हरियाणवी गीतों पर किरण चौधरी के साथ में डांस भी किया। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने सरपंच को 21 लाख रुपए तक पैसा खर्च करने की पावर दी है, और कांग्रेस नेताओं द्वारा विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के दावे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 टिकट के दावेदार तैयार कर रहे हैं। कोई पैसे की कमी नहीं छोड़ी है, गरीब के लिए जो है सारी की ऐसी योजनाएं जो है लागू करी गई हैं, जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए अलग योजनाएं लागू करी जा रही हैं, हर वर्ग के लिए जो है ऐसी योजनाएं हैं जो जनहित की हो और जो आने वाले समय के अंदर उनको उनका उत्थान हो और वो आगे बढ़े। कांग्रेस के काफी नेता दावा कर रहे हैं कि विधानसभा में मेरे 70 सीट प्राप्त करेंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना? कांग्रेस के तो दावा करेंगे ही, जब वो है ना खोखले दावे रह गए। सच्चाई ये है कि अब कांग्रेस के अंदर कुछ रहा नहीं है, सारा खोखलापन आ गया है, दीमक लग गई है पूरी तरह से। और जो हालात हैं आज के दिन आप देख लो, एक एक जगह पर 10-10 प्रत्याशी जो है वो तैयार हो रहे हैं, तो उसका मतलब तो आपको मालूम ही है कि फिर सब एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे।
फरीदाबाद के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर आपको बताते चले कि सूरदास मेट्रो स्टेशन के सामने एक कार की ओवरटेक करने के चलते सवारियों में से भरा ऑटो पलट गया है, जिसके चलते ऑटो में बैठी 6 सवारी सहित ऑटो चालक घायल हो गए हैं। घायलों में से एक सवारी को काफी गंभीर चोट भी आई थी, जिसे बादशाह खान सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए भी रेफर कर दिया गया है। मैं पीछे से आ रहा था और साइड में कार वाले खड़े थे, तो पता नहीं कितने होंगे, कार खड़ी थी, उसने अचानक पूरा कट मारा है और बकरी कट मार दी। आप जब आ रहे थे तो कार आपके सामने खड़ी थी? दूर खड़ी थी। हाँ, और जैसे मैं पास आया और हमने कार स्टार्ट की, पूरा कट मार के भाग गया। तो जैसे आप ऑटो लेके पहुंचे तो उसे घुमाया, कट मारा, भाग गया? पूरी घुमा दी। आपका ऑटो में टक्कर लग गया? आपका ऑटो बढ़ गया, सामने खड़ी थी गाड़ी पूरा रोड साइड। तो पुलिस ने रखा था क्या उसको? अब इतना तो पता नहीं, पीछे से तो बाइक वाले पुलिस वाले आपके पीछे पीछे से? मेरे नहीं पीछे, उसी के पीछे। खबर यमुनानगर से है, जहां पर हनी ट्रैप के फंसाने की गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। हनी ट्रैप मामले में 3 महिलाओं सहित एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के पठेड़, सरदेहडी, सुगमाजरी और आजाद नगर के बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि आरोपी महिलाओं ने एक युवक को फंसाया, उसका वीडियो बनाया और 90,000 रूपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए हैं। मामले को लेकर वहीं थाना प्रभारी जगदीश चंद ने भी बताया कि आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है, ये एक बड़ा गिरोह है, इसके कई सदस्य हैं, उन्हें भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। एक्सटॉर्शन के मामले में 3 महिलाएं और एक जेंट्स गिरफ्तार किए हैं। एक महिला ने आरोपी महिला ने एक आदमी के साथ उसकी एक्टिवा पे बैठकर उसके वीडियो वगैरह बनाई और उससे 90,000 भी ठग लिए थे एक्सटॉर्शन के रूप में। उसके आधार पर FIR दर्ज करके नए एक्टों के तहत और इनको गिरफ्तार किया है। 2 दिन का रिमांड हिरासत में है और जिनको पहले भी इन्होंने वारदातें की हुई हैं, लेकिन पर्चे दर्ज नहीं है, जिनका हमने अपने इसमें अनुसंधान में जिक्र किया। अम्बाला के शंभू बॉर्डर पर किसान पिछले 5 महीने से धरने दे रहे हैं। किसानों ने MSP गारंटी कानून समेत दूसरी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अब किसानों ने देशभर में विपक्ष के सांसदों को अपना मांग पत्र सौंपने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में किसानों ने अम्बाला में कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी से मुलाकात की है और अपना मांग पत्र भी वरुण को सौंपा है और संसद में इन मुद्दों को लेकर आवाज भी उठाने की मांग की है। आज वरुण चौधरी हमारे नए सांसद जो बने हैं, उनको ज्ञापन के माध्यम से संदेश दिया गया है। पिछले बार सरकारें कहती थी और सांसद कहते थे कि किसानों ने हमारे साथ कोई वार्ता नहीं की, MSP गारंटी कानून की तो इनकी मांग ही नहीं थी। आज हमने लिखित रूप में MSP गारंटी कानून बनाने की बात और जो मजदूरों को मनरेगा के तहत 200 दिन की गारंटी और 700 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी की बात और 2000 जो इन्होंने 21 का बिजली का बिल एक कानून बनाया था उसको वापस लेने की बात और किसानों की जो खेती है जो पराली संशोधन बिल इन्होंने हमारे ऊपर लगाया है, करोड़ों रुपए के टैक्स जुर्माना लगाते हैं उसको वापस लेने की बात और किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात मांगे। तो हम इन्होंने बोलिया होया या 2014 और 2019 के अंदर भी हम कर्जा मुक्त करांगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट देंगे और होर भी जो भी मंगा है या मान्यता कोई मंग करी ही नहीं है। इनके वादे हैं करे वे, मैं अपने वादे पूरे करा फिर गांव के अंदर अगर कभी कोई भूल का कह दे भी हाँ 240 सीटा है कि यार चला गांव के नियनू द्वारा अगर MLA के इलेक्शन है रहे हैं भी वोटा मंगन चला भूल का भी ना जी उसी तरह तैयार बैठे हैं। पहला इन चीजा के जवाब लेकर आइयो, मैंने कहा वा पहला भी जो अज MLA मंत्री बन गया उन्होंने मैंने 2 पर्चियां दी हुई है।
करावली गांव की पंचायत उपमंडल कार्यालय पहुंची गांव की पंचायत ने ज्ञापन देते हुए मांग की है कि दो दिन पहले आई बरसात से पूरे गांव में जलभराव हो गया था, जिसको लेकर पंचायत की ओर से अस्थायी तौर पर पानी को निकालने का काम किया गया। जबकि गांव के लोगों ने आरोप भी लगाया कि जैसे ही पानी निकल रहे हैं तो जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें सीवर में पानी छोड़ने से रोका है। समस्या को लेकर पंचायत की ओर से भी मांग की गई कि आने वाले दिनों में अगर फिर से बारिश होती है तो ये समस्या बनी रहेगी, जिसका समाधान करना जरूरी है। कल और परसों की बारिश के कारण हमारे नजदीक बस्तियों में रहने वाले रोड के पास गरीब बस्तियां जिनमें 4 से 5 फुट तक पानी भर गया था, वो मुश्किल से हम ग्रामवासियों की मदद से ग्राम पंचायत कालावाड़ी ने उसकी निकासी की है। स्थायी तौर पर आज हम जहां सरपंच ग्राम पंचायत कालावाड़ी अजय सिंह के साथ समूह पंचायत उपमंडल अधिकारी नागरिक को माननीय मुख्यमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन देने आए हैं कि ये हमने तो ऐसा ही व्यवस्था की है, इसकी पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था के लिए पाइपलाइन डलवाई जाए, जिसका प्रस्ताव हमने पहले दे रखा है और उसकी प्रपोजल भी पंचायत डिपार्टमेंट ने भेज रखी है। मेरे को परेशानी ये है जो ये SDM दफ्तर की तरफ रास्ता आता है वहां पर मेरी जमीन पड़ती है जो ठेके पर है। मेरे को मंडी वालों ने क्या किया जी, जो सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं मंडी में, तो पानी की निकासी करने के लिए उन्होंने सारा पानी गांव की तरफ भेज दिया जो मेरी फसल में आ गया और मेरी सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई। कितने एकड़ जमीन आपकी? मेरे पास यहाँ पर 14 किले पान जो ठेके पर है और मैं चाहता हूं कि उसका भी मुझे मुआवजा मिले जाए, उसका हल हो। और हर साल ऐसे ही आता है जो मंडी का पानी इस तरफ भेज दिया जाता है। बिल्कुल देखिए, जैसा कि आपके तंगियार में भी है कि फसलों हुई है और उसी कारण से जलभराव की समस्या भी आई है, चाहे कालावाली गांव है चाहे कालावाली शहर है। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश सचिव नगर पालिका और PDP ओडा को दिए गए हैं और उन्होंने बताया कि इसको प्रयासरत है, ट्रैक्टर लगे हुए हैं, पंप लगे हुए हैं, पानी निकासी का प्रयास जारी है। फिर भी कुछ इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं क्योंकि ग्राम पंचायत और कमेटी के बीच के हैं, उनके बारे में दोनों स्तर को मिलाकर के उसके बारे में समाधान किया जाएगा और जल्द से जल्द निकासी की जाएगी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर चंडीगढ़ से टीवी स्क्रीन पर आपको बताते चले कि बड़ी खबर जहां पर पंजाब में हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं शील नागू। बड़ी खबर जहां पर पंजाब राजभवन में राज्यपाल दिलाएंगे पद की शपथ, जस्टिस शील नागू की नियुक्त किया गया है मुख्य न्यायाधीश। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, पंजाब से हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने शील नागू, पंजाब राजभवन में राज्यपाल दिलाएंगे पद की शपथ, जस्टिस शील नागू को नियुक्त किया गया है मुख्य न्यायाधीश। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर जहां पर आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ से बड़ी खबर है जहां पर हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं शील नागू, पंजाब राजभवन में राज्यपाल पद की शपथ दिलाएंगे, जस्टिस शील नागू को नियुक्त किया गया है मुख्य न्यायाधीश। आपको बताते चलें कि हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू बने हैं और पंजाब राजभवन में राज्यपाल दिलाएंगे पद की शपथ। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है जहां पर आपको बताते चले कि सीएम नायब सिंह सैनी से भी जुड़ी बड़ी खबर है जहां पर चंडीगढ़ में आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बैठक में समय में हुआ है काफी बदलाव। पुलिस अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में बदलाव किया गया, सीएम सैनी कल करेंगे अधिकारियों के साथ बैठक और कल शाम 4 बजे सीएम बैठक करेंगे। आपको बताते चलें कि बड़ी खबर चंडीगढ़ से जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी की बैठक में समय में बदलाव किया गया है, पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होने वाली थी जिसमें बदलाव किया गया है। सीएम सैनी अब कल अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, कल शाम 4 बजे सीएम करेंगे बैठक। आपको बताते चले कि सीएम नायब सिंह सैनी की बैठक के कार्यक्रम को अब बदल दिया गया है जहां पर अब कल शाम 4 बजे वो बैठक करेंगे। तो करते हैं खबरों की तरफ। आपको बताते चले कि गांव कलावली की प्राथमिक पाठशाला में अभिभावकों के साथ में आपको बताते चले कि मीटिंग का भी आयोजन किया गया है जहां पर लगातार मीटिंग का दौर भी जारी है। आपको बताते चले कि अभिभावकों के साथ में बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। प्राथमिक पाठशाला में कोई भी सुविधा नहीं है।
सर स्कूल दे विच बहुत कमियां चल रही हैं। एक तो इत्थे टीचर दो ही हैगे, क्लासा छे हो गई, एक इत्थे कमरे घट हैगे स्कूल दे विच, ओदी भी बहुत कमी है। एक लैटरिन बाथरूम की भी कमी चल रही है इत्थे। ते सारियां मंगा असी लिख के दित्तियां हुई हैं बीओ ऑफिस दे विच, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही गी। इनू लिख के दिते हो गए घट्टो घट 6 महीने, पर इत्थे कोई सुनवाई नहीं हो रही। बच्चों का कैरियर खराब हो रहा अगे का। हुण टीचर अज एक ही आया, एक दूसरा भी अज छुट्टी ते ही हैगा, पर एक टीचर 180 बच्चे इत्थे किवें पढ़ा सकदा 180 बच्चों नूं, तुसीं दसो। फिलहाल इस बुढ़े में इतना ही, नमस्कार।